हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल अल विसिस्टर माई सेल्फ इक्रल वी आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही होगी सो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरी लाइफ के जो भी सोल मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बालों से रिलेटेड स्किन से रिलेटेड उनका कुछ ना कुछ मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और हमेशा मैं अपने प्रोडक्ट्स आप लोगों से शेयर करती आई हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ ये यूज़ करती हूँ ये यूज़ करती हूँ तो मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को अपडेट किया है मैं पहले जो यूज़ करती थी उनको ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स बेकार थे बट हमेशा चेंज करते रहना चाहिए तो मैंने सोचा लेट्स गेविटर ट्राई टू न्यू प्रोडक्ट्स तो वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए यार मैं सब भूल ही जा रही हूँ लाइक शेयर कर लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है यार इतने दिनों बाद जब वीडियो बनाने चलो ना तो इसी तरह के फंबल्स होते हैं और मेरे से हमेशा फंबल होते हैं आप लोग जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले आते हैं इन बालों को लेकर मतलब आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मेरे बालों में अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बचा है जैसे कि मेरे बालों में पहले स्ट्रेटनिंग थी कैरेटीन थी मैं सब कुछ करवाती थी पहले बट अब भी मेरे बालों में कुछ भी नहीं बचा है और मेरे बालों की थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है ठीक है मतलब हुई है हमेशा होती थी बट मैं हमेशा ट्रिम करवा लेती थी कट करवा लेती थी तो वो हमेशा से छोटे हो जाते थे बट दिस टाइम मैंने बाल नहीं कटवाने का डिसीजन लिया है बहुत रोका हुआ है क्योंकि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है तो झड़ने की वजह से जो नीचे के बाल हैं वो एक बिल्कुल बेजान से हैं तो मैंने सोचा कि इसको मैं कट करवा लेती हूँ और हमेशा करवा लेती थी अगर मैंने इतने बाल भी कट करवा लिए तो आप समझ लीजिए मेरे बाल इतने हो जाएंगे एंड अगेन मुझे ये इस लुक में नहीं रहना है मुझे इस लुक में रहना है मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है बस बात यही है कि बाल जो झड़ रहा है और बाल जो नीचे से पतला पतला लग रहा है उस चीज़ को तो मैं नहीं कटवाना चाहती थी तो बाल बहुत ज़्यादा मेरे रफ़ हो चुके हैं क्योंकि मेरा आज कोई ट्रीटमेंट नहीं है सारे बाल अब देखिए यहाँ से ये यह, ये देख रहे हैं इतना ग्रोथ हुई है मेरे बालों में जहाँ से ये ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है इतना ये ग्रोथ हुआ है मेरे बालों में तो मैं उसको नहीं वो करना चाहती हूँ बजाय मैं अब घर की होम रेमेडी कुछ ट्राई करती रहती हूँ या अंडा लगा लेती हूँ या दही लगा लेती हूँ कुछ लगा लेती हूँ सबसे मेजर पॉइंट ये था कि मैं अपना शैम्पू चेंज करूँ क्योंकि मैं जो मेरा जो जो कभी भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया है सबसे पहले तो जो मैंने स्मूदनिंग करवाई थी उसमें मैं जीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी जीके के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि स्पेशली कैरेटीन वालों के लिए होते हैं बट वो बहुत महंगा था थ्री थाउजेंड समथिंग के वो शैम्पू एंड कंडीशनर आते हैं इतना हर महीने आई कांट अफोर्ड इट सिंपल बात ये है तो फिर उसके बाद मैंने स्विच किया मैट्रिक्स के शैम्पू एंड कंडीशनर पे एंड सीरियसली मतलब वो कम पैसों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो उसके प्रोडक्ट तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी प्रोडक्ट्स आते रहते जैसे सपोज मेरा शैम्पू खत्म हो गया और कोई और शैम्पू रखा है तो मैं उससे धो लिया मैंने फिर मैं उससे धुलती गई धुलती गई तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए मेरी ग्रोथ हुई है बट मेरे बाल रफ हो गए अब जैसे कि मेरी आगे से ही आप बाल देख सकते हो कि ये छोटे छोटे बाल जो ये हैं बेबी है हेयर हैं ये देखिए ये सब बढ़ रहे हैं ठीक है ये सब बढ़ रहे हैं मेरी ग्रोथ पे है हेयर बाल बढ़ रहे हैं ठीक है मगर बाल एट द सेम टाइम स्मूथ नहीं रह रहा मेरा बाल हमेशा से स्मूथ रहा है अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हुए आए हैं मेरा बाल स्मूथ नहीं रहा है तो वो मुझे खल रहा है बल्कि बढ़ रहा है थोड़ा बहुत घना भी हो रहा है बट वही है ना कि मुझे स्मूथनिंग चाहिए और स्मूथनिंग करवा के मैं अपने बालों को और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ बाद में मेरा मूड ऐसा हो जाए स्मूथनिंग करने का तो फिर मुझे मत आप लोग डांटिएगा कि अभी तो पहले ये बोल रही थी बट अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में ये बता रही हूँ कि मैं अभी क्या क्या कर रही हूँ अपने बालों के साथ तो मैंने अभी मैंने कुछ घर की रेमेडीज़ स्टार्ट करी है जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर पहली बात तो ये सेकेंडली मैंने अपना शैंपू जो मैं कुछ भी कुछ भी लगा रही थी ये शैंपू खत्म होने पे मैंने फिर से दोबारा मैट्रिक्स का शैम्पू मंगाया है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट शेया बटर है उसमें प्रोफेशनल शैम्पू है और ये इसका कंडीशनर है सीरियसली अगर आपके बाल ऐसे न्यू करने पर भी न्यू करने पर भी आपको दुख रहा है तो ये शैम्पू से आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं हो क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा था मैं यू कर रही थी और मेरा बाल फंस रहा था गाइस <laughs> मेरी बिल्लियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही हैं जब ये सो जाती हैं तब मुझे बनाना चलिए ठीक है चलो जो भी है अभी ऐसे भी अच्छा ही आ रहा है ठीक है सो मैंने अपना शैम्पू चेंज किया है जो मैं कुछ भी कुछ भी लगा रही थी अगेन मैंने स्विच किया है मैट्रिक्स के शैम्पू एंड स्ट्रेटनर पे स्ट्रेट शैम्पू एंड कंडीशनर पे तो ये रहा मेरे बालों का समाधान जो कि अब जो भी मैं करूंगी होम रेमेडीज वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी हो सकेगा तो बल्कि मैंने शैम्पू अब चेंज कर दिया है तो अब जो मैंने आज वॉश किया है उससे थोड़ा बहुत बाल सही हो मतलब आज ही मैंने फर्स्ट वॉश इससे लिया हुआ है तो या शानमा थोड़ा सा ये उठा देंगे वहीं रख दी वहीं 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 वही हाँ तो गाइज ये प्रॉब्लम था जो कि मेरे बालों का प्रॉब्लम था जो कि अब सॉर्ट आउट हो गया है और इन अभी आपको कुछ दिनों में मेरे बाल अच्छे दिखने वाले हैं ठीक है ठेके? तो या yeah. सेकेंडली जो मेरी प्रॉब्लम uh, थी वो थी फेस वॉश की ठीक है जो मैं फेस वॉश यूज़ करती थी वो था मोइज का फेस वॉश जो मुझे जानते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा डरमैट का ही सजेस्टेड फेस वॉश लगाती थी और क्रीम लगाती थी मॉइस्चराइज़र लगाती थी बट अभी मैंने स्विच किया है सेटाफिल पे और गाइज ये इतना अच्छा है इतना अच्छा है बहुत हाइप था इस प्रोडक्ट का शाह मैं वीडियो बना रही हूँ सॉरी बहुत हाइप था इस प्रोडक्ट का कि ये बहुत अच्छा है डरमेटोलॉजिकली टेस्टेड है सब कुछ है बट मैंने ट्राई नहीं किया था मैं एक ही पे स्टिक थी मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसे ऑर्डर करने में बहुत दिक्कत होती इजीली अवेलेबल नहीं है मोइस का आ, ये फेस वॉश हालांकि ऑनलाइन है बट बहुत मुश्किल से मिलता था या तो फिर डर्मेट के यहाँ जाना पड़ता था उसको लेने के लिए तो मैंने ऑर्डर किया है किया है दिस सेट फिल का ये आ, फेस वॉश है विच इज़ फॉर जें विच इज़ फॉर ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन जिनकी ड्राई है जिनकी नॉर्मल है और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए ये है ऑयली स्किन वालों के लिए ये मॉश ये फेस वॉश नहीं है और प्लस इट इज़ डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन विच इज़ माइन मेरी सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए है ये हाइड्रेट एज इट क्लींजेज टू सूथ एंड हेल्प रिप्लेनिश स्किन मॉइस्चर इसमें है हाइड्रेटिंग गिलेस्ट्रीन विटामिन बी थ्री एंड प्रो विटामिन बी फाइव तो ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या बताऊँ ये 125 ट्वेंटी है और ये मुझे समथिंग 300 का ये मिला है एंड ट्रस्ट मी गाइज अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ड्राई स्किन है देन गो फॉर इट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है थर्डली मेरा जो ये था कि मैं मतलब मैं स्ट्रॉप क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहती थी मैं चाह रही थी कि एक मैक का स्ट्रॉप क्रीम ले लूँ मैं बट उससे पहले मुझे लगा मैंने एक वीडियो देखा रील पे के स्विस ब्यूटी का जो आ, ये है क्या नाम है इसका ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर जो है इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बल्कि ये मेरा आ, सोशल लाइफ पे जब मैं इंस्टाग्राम पर नहीं आई तो मैंने सबसे पहले अपने पैसों से खरीद कर इसका रिव्यू दिया था तो मुझे तभी ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया था तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट लेट्स परचेज़ इट अगेन तो मैंने फिर ये स्विस्ट ब्यूटी का ये हाई आ, रियल मेकअप बेस ख़रीदा हुआ है एंड इसका जो मतलब जिनको थोड़ा सा ना महक से प्रॉब्लम है जिनको ना खुशबू से प्रॉब्लम है जिनकी चढ़ जाती है दिमाग पे वो ये ना ख़रीदें बल्कि इसकी बहुत जो स्मेल है जो इसकी फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी है मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये है इसका और ये गाय इतना बढ़िया शाइन करता है इतना अच्छा शाइन करता है मैं इसको लगा के आपको जिस दिन मेकअप वाला, मेक वाला वीडियो वीडियो कह रही हूँ जिस दिन मेकअप वाला वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोग को इसको रियल में अप्लाई करके दिखाऊँगी कि ये बहुत अच्छा है तो अगर आप कोई स्ट्रॉप क्रीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आप मैक का नहीं ख़रीदना चाह रहे हो आ, मैक का आई थिंक so, सो छोटा वाला बारह सौ पचास नहीं बारह सौ पचास या पंद्रह सौ का है बाकी जो बड़ा वाला है वो दो दो हज़ार से ऊपर है तो आप ये तीन सौ रुपये का ख़रीद लीजिए ठीक है अगर आप कोई स्ट्रॉप क्रीम स्ट्रॉप क्रीम खरीदना चाह रहे हो तो आप ये वाला खरीद लो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है बस वही स्मेल प्रॉब्लम है अगर आपको स्मेल आप आपको अच्छी लगती है और आप इतनी कोई बुरी स्मेल नहीं है कि आपको बुरा लगने लग जाएगा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत प्यारी लगती है तो या मतलब मैम मैं सब कुछ बता रही हूँ कि मतलब मान लो कोई ख़रीद रहा हो उसको नहीं पसंद आया तो फिर इंसान का ये लगे ना कि बताओ कैसा रिव्यू दिया है मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू दो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताऊं ताकि आप लोग को पूरी हेल्पफुल वीडियो लगे ये और पूरा मतलब वो ना लगे कि मैंने ये नहीं बताया ये छूट गया उसके बाद आते हैं सनस्क्रीन पे तो मैं सनस्क्रीन लगवा लगा रही थी एक्वा लॉजिक का कि मैं सनस्क्रीन लगा रही थी जो कि अच्छी है मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई बहुत अच्छी है बट मैंने स्विच किया है अभी आ, दिस दर्मा का ये डर्मा का है मैं अभी इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ इसमें वन परसेंट हायरॉनिक एसिड है सनस्क्रीन एक्वा जेल है विटामिन ई e है फ्रेगरेंस फ्री है इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है कोशिश करा करें वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिनमें फ्रेगरेंस ना हो ठीक है सनस्क्रीन वगैरह की बात कर रही हूँ मैं तो गाइज़ ये है तो मतलब इसमें आपको हायरोनिक एसिड भी मिलेगा प्लस आपको ये सनस्क्रीन भी है प्लस ये 50 एस है तो आपके स्किन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा सन से सन से ये देखिए बहुत अच्छा तो या ओके okay गाइज़ तो ये जो सनस्क्रीन है इसका प्राइस है फोर नाइन्टी नाइन बट ये मुझे थोड़ा कम में मिला है तो अमेजोन से मैंने ये खरीदा है और अमेजोन पे चल रही है मेगा फैशन सेल टेंथ विच हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिक्सटीन फेब एंड इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन ट्वेंटी एथ फेब तो आप लोग अभी जाकर खरीद सकते हो 70% तक आपको ऑफ मिलेगा टॉप फैशन ब्रांड्स पे प्लस ब्यूटी ब्रांड्स पे और 10% कैशबैक मिलेगा प्राइम मेंबर्स को जो लोग प्राइम मेंबर्स हैं तो अब मैंने यहीं वहीं से लिया है ये सारे प्रोडक्ट्स तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो तो डू चेक इट आउट सो तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कौन सी लिपस्टिक यूज़ करते हो कौन सी लिपस्टिक यूज़ करते हो तो मैं अभी इससे पहले तो मार्स का कौन सा गर्ल पार यूज़ करती थी मार्स की गर्ल पावर शेड यूज़ करती थी बट uh, uh, अभी मैंने ये बहुत पहले मैं यूज़ करती थी स्विस ब्यूटी का ये शेड है हॉट न्यू टू ट्वेंटी टू और यही मैंने अभी इस वक्त लगाया हुआ है तो आप जैसे कि देख सकते हैं तो मुझे न्यूड कलर बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये अभी न्यू मंगवाई है तो कहीं भी नॉर्मल जाना है बस हल्के से अप्लाई कर लिया इसी से अब मैंने ब्लश भी लगाया हुआ है इसी को मैंने आई पे भी लगाया हुआ है तो ये बहुत बढ़िया है तो बहुत सस्ती भी है तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं ये लैकमे का आई कॉनिक आई लिया है जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है ये आई इतना बढ़िया है ये बिल्कुल जेड ब्लैक है प्लस इसका एप्लीकेशन इतना अच्छा है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ये देखिए ये देखिए बिल्कुल जेड ब्लैक है तो अगर आप कोई आईलाइनर अच्छा सा ढूँढ रहे हो कि जो कि जेड ब्लैक हो तो आप ये वाला आईलाइनर ले सकते हो एक बार सूख जाए ना तो ये स्मच प्रूफ भी है मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि है मिस क्लेयर का आई लैश ग्ल्यू मतलब मुझे आई लैशेज़ नहीं लगानी आती थी कभी से नहीं लगाने आती थी मैं पूरा मेकअप जानती थी बट मुझे आई लैशेज़ लगानी नहीं आती थी जिसकी वजह से मेकअप अधूरा लगता था तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत लोगों से पूछा बहुत सर्च किया कि कौन सा आई लैशेज़ लगाऊँ कौन से मैं मैं ग्ल्यू लगाऊँ जिससे मेरी आई लैशज़ ले ना क्योंकि होता क्या था जब एलैश लगाओ तो आगे से निकल जाता था और पीछे से निकल जाता था वो इतना गंदा लगता है वो बहुत गंदा लगता है इससे बेहतर ये है कि मत लगाओ बट मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि ये मिस क्लेयर का आई लैश ग्लू एक बार ट्राई करो ये ब्लैक कलर में है तो मतलब ये नीला भी नहीं लगेगा वाइट भी नहीं लगेगा और इतने बढ़िया से स्टिक होता है ना कि मतलब जब तक तो खुद से नहीं निकालोगी ना तब तक ये आई लैश से नहीं निकलेगा प्लस ये बहुत ही रीज़नेबल बहुत ही सस्ता भी है तो अगर आप कोई अच्छा आई लैश ग्लू ढूँढ रहे हो सो तो गो फॉर दिस मिस क्लेयर आ, आई आई लैश ग्लू ये बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है मैंने जोया पर भी अभी जो ब्राइडल मेकअप किया था उस पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो आई लैश बहुत प्यारी लग रही है सो गाइज दिस इज़ दी ओनली प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग फॉर आई लैश उसके बाद मैंने ये मंगवाया है अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है चना जिसे खोल दो तो जब तक ये शाहनवाज़ वो पैकेट खोल रहे हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल भी मेरा ये टस से मस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी समझ नहीं हुआ है ये आप लोग देख सकते हो ठीक है तो या उसके बाद मैंने बहुत सारी आई ली हुई हैं जो कि बहुत सस्ती हैं गाइज इनका भी लिंक मैं डाल दूंगी चार पांच मुझे लग रहा है दस सात आठ पैक आए थे मुझे और ये देखिए लाश बिल्कुल नेचुरल वाली है प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं लगेगा एकदम अच्छी वाली आई लाशेज़ हैं इनका भी मैं ओ, लिंक डाल दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो अगर मुझे मिल गया तो क्योंकि मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी बट वही था मेरे पास ग्लू नहीं था तो मैं नहीं लगा पा रही थी इनको बट अब मेरे पास ग्लू आ गया तो मैं इनको लगाऊंगी और मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे आई लगाते हैं क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आई लगाना नहीं आता मेकअप आता है बट आई लगाना नहीं आता है तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज और आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को मिलूंगी बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफज और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अरे अरे हाँ वो दूसरा पैकेज तो दिखा दो क्या लिया है मैंने रुको 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो गाइज़ मैंने ये ये लिया है आपको मैं दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें मतलब कितना बढ़िया पैक आया है देख रहे हो आप लोग कितना बढ़िया से आया है ये और इस अब जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ये जानते हैं कि ये क्या है मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपको मैच करना है या मिक्स करना है तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है इसको कहते क्या है मुझे ही नहीं पता है क्या कहते हैं गाइज़ इसके साथ मुझे ये भी मिला है जो कि मैं मिक्स करूँगी ठीक है तो ये मैंने ख़रीदा है काफ़ी भारी है काफ़ी भारी है यार ये सो या गाइज ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट इसका भी लिंक डाल दूंगी अगर मुझे मिल गया तो सो गाइज दैट्स ऑल फॉर माई दिस ब्लॉग आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज वज सिस्टर लव यू ऑल